फ्रेंड्स, मैं सुनील चौहान लॉजिकल माइंड में स्वागत करता हूं एक नई प्रॉब्लम के साथ। ये मेरे पास है एक गवर्नमेंट टेंडर भरने के लिए। हमारे पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट की डिवाइस होती है, इसको हम कैसे इंस्टॉल करें और अपनी विंडोज में कैसे कॉन्फ़िगर करके एक्सप्लोरर में या फायरफॉक्स में, जिस भी ब्राउजर में ये यूज होती है, उसमें इसको कैसे ऐड किया जाए, मैं आज आपको बताऊंगा। ये डिवाइस है, मेरे पास विंडोज है 10 64 बिट। मैं इस डिवाइस को अपने लैपटॉप में अटैच कर रहा हूँ। ये देखिए, फर्स्ट स्टेप है, इसको आप अपने लैपटॉप में अटैच कीजिए। ये देखिए, मैं यूएसबी पर अटैच कर रहा हूँ। ये डिवाइस यहाँ डिटेक्ट हो गई है। ये देखिए, हम इसको खोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको या तो एक्सप्लोर करेंगे या फिर हम इसको ऑटो रन पे ऑटो रन कर देंगे। मैं इसको कर रहा हूं, एक्सप्लोर कर रहा हूं। एक्सप्लोर हो गई, इसमें देखिए, मैं इसको यहां से इसको चला देता हूं, देन ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये यहां पे मैं इसको कर रहा हूं प्राइवेट सीएसपी, ये देखिए, ये सेटअप हमारा फिनिश हो गया है। ये देखिए, सेटअप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ये एक्सप्लोरर खुला है, जिसमें हमने सीधा ही डायरेक्टली इसने हमसे पूछा है कि यूज द रिक्वायर्ड सेटिंग सिक्योरिटी एंड द कंपैटिबिलिटी सेटिंग। इसको मैं ओके कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये डिवाइस मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुकी है। हाउ, कैसे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप टास्क बार में आएंगे, टास्क बार में देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए ये डिवाइस आ गई है, आ रहा है ई पास 2003 सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। इस की पे मैं डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करते ही ये इस डिवाइस की सेटिंग खुल गई है। आप देख सकते हैं इसमें सारी सेटिंग है, ये डिवाइस दिखा रहा है, ये इसकी, ये लॉग इन व्यू सर्टिफिकेट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड अदर सेटिंग्स है इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, पहले इस डिवाइस को लॉग इन करना है हमें। यहाँ लॉग इन पे क्लिक करेंगे, लॉग इन करते ही इसकी एक पिन नंबर होगा, जो आपने परचेज किया होगा तो इसका पिन नंबर आपको साथ में मिला होगा। मैं इसका पिन नंबर भर रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखिए, यहाँ पे आ गया है सर्टिफिकेट। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसको सर्टिफिकेट को व्यू करना है। व्यू करने से पहले हम सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे सिंगल, एंड देन गो टू द व्यू सर्टिफिकेट, वेट, एंड देन क्लिक द इंस्टॉल सर्टिफिकेट, करंट यूजर, नेक्स्ट। अगर आपके पास और यूजर भी हैं तो आप करंट मशीन भी कर सकते हैं प्रीवियस करके, या दोबारा क्लिक करके कैंसिल, एंड देन इंस्टॉल सर्टिफिकेट। यहां पे करंट लोकल मशीन पर, अभी मैं सिर्फ यूजर कर रहा हूं, एंड देन नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। अब यहां पे थोड़ी देर में हमें लिखा हुआ आएगा कि इंस्टॉल सक्सेसफुली आ गया, इंपोर्ट वाज सक्सेसफुली। अब आपका जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो आपके विंडोज, आपके एक्सप्लोरर में इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं इस विंडोज को मिनिमाइज करता हूं, एंड देन गो टू द एक्सप्लोरर। आप इसको यूज, सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं अब यहां पे वो साइट लॉग इन करता हूं जिस साइट से मैं आपको इस डोंगल को चला के दिखाऊंगा। यह है टेंडर हरियाणा की, मैं साइट खोलता हूं। ये देखिए डिवाइस है, इसमें यहां पे आप नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन है जिसमें अगर बाय चांस कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको रिक्वायर पड़ती है, जैसे जावा, तो आप डाउनलोड्स में जाएंगे और इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे ऑफिस की फाइल कोई खोलनी हो, अडोब की फाइल खोलनी हो, या आपने जावा की रिक्वायरमेंट हो, तो आप यहां से उसकी डायरेक्ट साइट पर जाके ये चीजें रिक्वायर कर सकते हैं। पर
हमारी विंडोज में अगर ऑलरेडी ये टूल हमारे पास है तो हम इसको कैसे चेक करें, हम इसे बैक करते हैं एंड देन लॉग इन। मैं इसको लॉग इन करके आपको दिखा रहा हूँ एक बार, यहाँ पे लॉग इन आईडी डाल रहा हूँ पर सॉरी मैं आपको ये दिखा नहीं सकता इसलिए मैं इसको एंटर कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, सॉरी फॉर दैट। ये देखिए मैंने आईडी लॉग इन करी है, इसमें डिजिटल सर्टिफिकेट आ गया है पर जिस भी पर्सन का है मैं आपको शो नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ, मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये आईडी नहीं है और आप इस कोई चेक करना चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया या नहीं, उसका एक तरीका और है, यू हैव इंस्टॉल द अडोब रीडर डीसी। मैं अडोब रीडर डीसी ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे कंप्यूटर में, बहुत इजी है। इसके टूल्स में जाएंगे, टूल्स में यहाँ नीचे की तरफ एक है सर्टिफिकेट, मैं यहाँ पे कोई भी एक पीडीएफ फाइल मुझे पहले पर खोलनी पड़ेगी। मैं एक पीडीएफ फाइल खोल रहा हूँ, मैंने अडोब के अंदर एक टूल के एक सैंपल फाइल होती है वो मैंने खोली है। इसमें हम जाएंगे टूल्स के अंदर एंड देन क्लिक द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आने के बाद ये थोड़ा सा विंडोज खुलेगी, यहाँ पे आगे डिजिटल, यहाँ ऊपर टॉप पे देखेंगे आप ये डिजिटल साइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये एक जगह क्लिक किया, कुछ एरर आया है, मैं इसको स्टडी कर लेता हूँ एक मिनट, सॉरी एक मिस्टेक हो गई थी। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें यहाँ डिजिटल साइन पे क्लिक करना है एंड ओके। हमें एक पर्टिकुलर एरिया को जहां पे हमें डिजिटल साइन करना है उस एरिया को हमें सिलेक्ट करना है अपने माउस के क्लिक से, क्लिक रखेंगे एंड देन होल्ड डाउन क्लिक एंड सिलेक्ट द एरियाज एंड ड्रॉप। ये देखिए ये डिजिटल साइन आ गया है, जिसका भी डिजिटल साइन है आप देख सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं एंड देन क्रिएटेड। ये देखिए नया डॉक्यूमेंट में ये हमें सेव करने के लिए बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट हमें सेव करना पड़ेगा जिसमें डिजिटल साइन आ चुके हैं। मैं सेव कर रहा हूं, ये हमारा पिन कोड मांग रहा है जो हमारे डिवाइस का पिन कोड है जो हमें पता होगा क्योंकि ये डिवाइस हमारी है। मैं इसको डाल रहा हूं पिन कोड को एंड देन लॉग इन। ये देखिए ये आ गया है डिजिटल सर्टिफिकेट, यहां पर आप देख सकते हैं। चलो तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि हम अपने डिजिटल सिग्नेचर को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करें, कैसे उसको अपने सिस्टम में इंपोर्ट करें और कैसे उसे अपने ब्राउजर में चलाएं। उसके कुछ रिकमेंडेड टूल्स भी हैं जो आप डाउनलोड से डाउनलोड कर सकते हैं, पर इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ भी इश्यू होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर या मुझे मेल करके बता सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है लॉजिकल माइंड मेकर। थैंक यू फ्रेंड्स।